आरक्षण को लेकर एक बार फिर भ्रम की स्थिति बनती नजर आई और इसे लेकर प्रशासन एक बार फिर लोगों को जागरूक करने का काम भी शुरू कर दिया। इसी कड़ी में देवघर के डीएफओ भी वैक्सीन लेने के लिए पहुंचे और लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की। यहां का जायजा लिया हमारे सहयोगी मनीष ने। अस्पताल परिसर में ये देखिए यहाँ पे कोवैक्सीनेशन का काम चल रहा है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं। इसका मतलब ये है कि लोग अब आगे बढ़ करके खुद ब खुद आ रहे हैं लेने के लिए। देखिए यहाँ भी एक परिवार लेके लौट रहे हैं। रहा है कि कोविशील्ड मिलेगा, अब मेरा मन है कि कोवैक्सीन लें। उसमें मैंने देखा है कि कोवैक्सीन का असर ज़्यादा असरकारक है कोविशील्ड से, इसीलिए सोच रहे हैं कोवैक्सीन ही लें। लेकिन कोई अधिकारी तो इस बात की कहीं कोई नहीं, अधिकारी नहीं, केवल न्यूज़ से पता चला। स्वास्थ्य में बात करेंगे जो प्रभारी हैं उनसे। मैं कोविशील्ड लूंगा या कोवैक्सीन लूंगा, जो हमारे पास उपलब्ध होगा मैं वही दूंगा। आज हमारे यहाँ कोविशील्ड है तो मैं हम लोग कोविशील्ड दे रहे हैं। लेकिन एक बात है कि जो पहला डोज लिए हैं वो जो फर्स्ट कोविशील्ड लिए हैं वो सेकंड डोज भी कोविशील्ड लेंगे, जो फर्स्ट कोवैक्सीन लिए हैं वो सेकंड डोज भी कोवैक्सीन ही लेंगे। हाँ, मैंने आज कोविशील्ड वैक्सीन लिया हूँ। लोगों से अपील है जो हॉस्पिटल में उपलब्ध है स्वास्थ्यकर्मी के पास वो निश्चिंत होकर लें, को वैक्सीन हो या कोविशील्ड डॉक्टर के सजेशन के मुताबिक। आपकी बारी आती है तो आप वैक्सीनेशन लें, साथ ही साथ कोविड 19 का जो प्रोटोकॉल है उसका भी मेंटेन करें। कानपुर से मैं उसके साथ मिश्रा न्यूज़ भारत के लिए।